नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अलवर क्षेत्र के समीपवर्ती गांव मैदाबास में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने बताया कि मैदाबास निवासी प्रभुदयाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्रवधु नीलम का शव कमरे में लटका मिला है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अजमेर के विजयनगर के पास स्थित बाड़ी माताजी मंदिर में हर वर्ष आसोज नवरात्रा में महिषासुर का दहन किया जाता है। इस मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जहां एक ओर संपूर्ण देश में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, तो वहीं बड़ी माताजी में 16 वर्षों से महिषासुर के पुतले का दहन किया जाता है। अलवर में सब्जी विक्रेताओं की शिव बगीची बैठक चल रही है, जहां बैठक को गुर सरपंच चौथमल सोनी संबोधित कर रहे हैं। इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक विक्रेता सब्जी बेचने के लिए उचित जगह की मांग कर रहे हैं। अलवर के थानागाजी कस्बे में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मामले में ग्रामीण जीप स्टैंड और अवैध थड़ियां हटवाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पशु चिकित्सालय के सामने लोगों ने थड़ियां लगाकर अपना डेरा जमा रखा है। चित्तौड़गढ़ के आकुला में चल रही नवरात्रि महोत्सव को लेकर सातवीं में पिपली चौक बाबा रामदेव नवयुवक मंडल की ओर से नवरात्र के उपलक्ष्य में गरबा आयोजित हुआ, जहां गरबा लोगों की भीड़ लगी रही और लोग गुजराती के मधुर गीतों पर थिरकते नजर आए। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा नए आकर्षक झांकियां और अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। राजसमंद के थाना क्षेत्र मोही के समीप राज्यवास में बनास नदी पेटी से बजरी दोहन करने से ग्रामीणों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में पथराव से आधा दर्जन व्यक्ति घायल हुए, तो वहीं 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। दोनों पक्षों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाड़मेर के दूरी मन्ना में एक जने ने उसकी बेटी को लेकर ससुराल पक्ष में मारपीट का मामला दर्ज करवाया, उसके बाद पंचों ने यहां राजीनामा करवाया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में शिवसेना के विधानसभा प्रमुख रामफूल धाकर ने एसपी को ऊपरमाल क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पत्र लिखा, इसमें समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। धाकर ने बताया कि बिजौलिया उपखंड में कई जगह बिना लाइसेंस के शराब की दुकानें तथा सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। क्षेत्र के कई युवा इसमें लिप्त होते जा रहे हैं, साथ ही NH-27 पर होटल एवं ढाबों पर भी खुलेआम बिना लाइसेंस के शराब बेची जा रही है। नागौर पंचायत समिति क्षेत्र के गांव शिवालाजी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्राचार्य किरण शेखावत ने बताया कि स्कूल में इतिहास विषय की व्याख्या था, अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक वाई कन्या अध्यापक का पद रिक्त है, इससे कई दिनों से छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में स्किप टाइफस का रोगी मिलने के बाद विभाग ने शनिवार को डॉक्टर सुनील भोले के निर्देशन में टीम बनाकर दवा का छिड़काव किया। जयपुर के शाहपुरा में बस की चपेट में आने से राहगीर की मौत हो गई, मृतक पूरनमल मनोहरपुर निवासी था। मनोहरपुर पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। अलवर की भिवाड़ी में दीपावली को लेकर व्यापारियों में भारी उत्साह है, दीपावली की तैयारियां शहर के मुख्य बाजारों में शुरू हो गई हैं, लेकिन शहर के सेंट्रल बाजार, संतर चौक और सदर बाजार के अलावा अन्य बाजारों में खरीदारों की सुविधा के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, 13 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, आधे से ज्यादा पद खाली हैं, शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर की भिवाड़ी में रेलवे के ठेकेदार NCR कॉरिडोर बनाने के लिए नई लाइन बिछवा रहे थे, जिससे रेलवे के लिए रास्ता बनाया जा सके। निर्माण कार्य के बीच में आ रहे गुरुद्वारे को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। जिससे गांव वालों में गुस्सा है, गांव वालों ने ठेकेदार और जेसीबी को घेर लिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक गुरुद्वारे का निर्माण दूसरी जगह नहीं किया जाता, वो काम नहीं होने देंगे। अलवर जिले के टपुकड़ा थाना पुलिस ने 3,000 रुपए के कुख्यात बदमाश को 6 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा इस पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित था। 2010 के पंचायत चुनाव के दौरान मतपेटियां लेकर ये फरार हुआ था, तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। इनामी बदमाश जुबेर खां को निम्बाहेड़ी गांव में लखपुर जा रहा था, इस दौरान पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ टपुकड़ा थाने पर आठ मुकदमे दर्ज है, जबकि अन्य थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमों में वो फरार चल रहा है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा 3,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी राजस्थान और हरियाणा में मुख्य गौतस्कर गैंग संचालित करता है। राजसमंद जिले के आमेट पुलिस ने एक पत्नी की हत्या के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आमेट थाना क्षेत्र के गांगागुणा गांव में 10 साल पूर्व पत्नी की हत्या कर वो फरार हो गया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाबू सिंह ने पत्नी पर चाकू से वार कर वो फरार हुआ था। सायरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद सूचना मिलने पर आरोपी की बड़ौदा के दूधवाड़ा में इंडस्ट्री में मजदूरी करने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने बड़ौदा में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
नागौर की गोचन में लाइमस्टोन पर मजदूरी करने आई महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। दर्ज मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आरोपी ने जमीन से जुड़े मामले में शिकायत करने पर राजनीतिक रसूखात के चलते ये मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। जालौर जिले की रहने वाली 45 साल की पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि गोचन में क्वालिटी लाइमस्टोन में काम करती थी और अपने पति के साथ मजदूरी के पैसे लेने उसके ऑफिस गई थी। तभी उद्योग के मालिक बस्तीराम सुतार मौका पाकर उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया। आरोपी ने कहा कि सरकारी जमीन पर कांग्रेस नेता और डेगाना के पूर्व विधायक ऋषपाल मिर्धा की शिकायत की थी, उसके बाद मुझे धमकी मिली और फिर झूठा केस दर्ज करा दिया। सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान डीडवाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डीडवाना में आयोजित 35वीं जिला स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच में मंत्री यूनुस खान ने खेल कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मंत्री यूनुस खान ने खेल को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी खेल को अपनाकर शारीरिक व मानसिक लाभ लेना चाहिए। हिंडौन सिटी के निजी नर्सिंग होम में रविवार को एक प्रसूता और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की प्रसव के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची हिंडौन कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार रविवार को सुबह प्रसव के लिए हिंडौन के राजगिरीश नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद सामान्य प्रसव की बात कही, लेकिन प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला की स्थिति सामान्य बताते हुए उसे रेफर कर दिया। जब परिजन महिला को लेकर भरतपुर जा रहे थे तो उसने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन महिला को वापस नर्सिंग होम ले आए और हंगामा कर दिया। झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना इलाके में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है कि उसके छोटे भाई की पत्नी को 10 सितंबर को गांव के मुकेश कुमार ने पहले तो पैसे देने के बहाने से बुलाया, फिर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकेश को फोन की डिटेल निकलवाई और संभावित जगह दबिश देकर पुलिस ने युवती को दिल्ली से बरामद कर लिया, जहां महिला का मेडिकल करवाकर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के एनिकट में डूबने से दो बालक सहित तीन की मौत हो गई। गांव तरवानों का खेड़ा में नवरात्र समाप्ति पर खेत पर जाते वक्त सुमित लोहार व अंकित की मौत हो गई। वहीं गांव दांदा में एनिकट में नहाते समय ममता की मौत हो गई, जिन्हें ग्रामीणों ने बहुत बचाने का प्रयास किया पर वो नहीं बचा सके। कपासन पुलिस मौके पर पहुंची, वे शवों का कपासन लेकर आई, जब पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बीकानेर की खाजवाला मंडी में कश्मीर से आए सेब पर आपत्तिजनक संदेश लिखा होने से लोगों में गुस्सा है। हालांकि लोगों ने इसे पाक की शह पर घाटी में सक्रिय आतंकवादी की नफरत फैलाने की करतूत मान रहे हैं। व्यापारी से बेचने के लिए सेब की पेटियां खरीदी थी, सैंपल चेक करने के लिए एक पेटी खोली तो सेब पर भारतीय आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। सेब की पेटी पर कश्मीर लिखा हुआ था, पेटी की पैकिंग में उर्दू का अखबार भी निकला जो कि अखबार का श्रीनगर से प्रकाशित अंक था। ये सेब कश्मीर से ट्रांसपोर्ट से सब्जी मंडी में आए। हालांकि आपत्तिजनक संदेश की खबर फैलने के बाद कश्मीरी सेब के खरीदार भी चौकन्ने हो गए। उन्होंने पेटियों को खोलकर चेक करने के बाद बोली लगाई। भीलवाड़ा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शस्त्र पूजन और भारत माता की आरती की। इस मौके पर भारतीय सैनिकों को शक्ति प्रदान करने की सामूहिक प्रार्थना भी की गई। इस दौरान भारत माता की आरती भी की गई। बजरंग दल के सहप्रांत संयोजक रामेश्वर लाल धाकर ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में शस्त्र पूजन की प्राचीन परंपरा रही है। धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें शस्त्र धारण करना होगा। उन्होंने भारतीय सैनिकों के विश्व में शक्तिशाली होने की कामना करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदमों से ही आतंकी देशों का खात्मा संभव है। मांडलगढ़ में मेवाड़ की गंगा कहलाने वाली बनास नदी पर हादसों का दौर नहीं थम रहा है। दो दिन पहले पिता की अस्थियां विसर्जन करने आए युवक का पैर फिसल जाने से मौत हो गई। कल भी दोस्तों के साथ नहाने आया युवक डूब गया था, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। इस बारिश के समय विगत दो महीने में बनास नदी में डूबने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उदयपुर के कोटरा में रात करीब 8 बजे छड़ियों का जुलूस निकाला गया, जहां तक ये से आलम की सलामी दिलाकर जुलूस रवाना हुआ। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के माधवी में कल शाम एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।